कांग्रेस ने फिर दर्ज कराई पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत, जाने क्या है मामला। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दक्षिण गोवा के उम्मीदवार विरियाटो फर्नांडिस के बारे में गलत सूचना फैलाई है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश वर्मा के सामने 3 पन्नों की शिकायत दर्ज करवाई। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस लोकसभा 2 दक्षिण गोवा संसदीय क्षेत्र के आम चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। वर्तमान शिकायत के माध्यम से हम वर्तमान जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं और इसके संबंध में तत्काल कार्यवाही का अनुरोध करते हैं। शिकायत में क्या कहा गया, इसमें आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग जानबूझकर हमारे उम्मीदवार के भाषण के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। वो लोग हमारे उम्मीदवार के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उसकी गलत व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि हमारे उम्मीदवार ने संविधान का अपमान किया है और ये सुझाव दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार के मन में हमारे संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया भाषण। शिकायत में यह भी कहा गया कि फर्नांडिस ने कारगिल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की और संविधान के प्रति उनके मन में सर्वोच्च सम्मान है। कहा गया, हमारे उम्मीदवार के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और संदर्भ से परे पढ़ने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि ये समझने की कोशिश भी नहीं की गई कि ये किस संदर्भ में दिया गया था, यानी कि दोहरी नागरिकता की मांग के संदर्भ में भाषण के वीडियो की गलत व्याख्या करने और गलत सूचना फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वह सार्वजनिक डोमेन में है और अगर जरूरत हुई तो हम उसकी एक कॉपी भी पेश करेंगे। पीएम मोदी को लेकर शिकायत पत्र में क्या, अमित पाटकर ने शिकायत में कहा कि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गलत सूचना फैलाने वाले पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण में उम्मीदवार कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस के भाषण को बहुत दुर्भावनापूर्ण ढंग से पेश किया, जैसे कि हमारे उम्मीदवार का भाषण भारत के संविधान का अपमान करना था। पीएम मोदी ने क्या कहा था, छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, पहले कर्नाटक के सांसद ने कहा था कि दक्षिण भारत को एक अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा से उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारतीय संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर संविधान थोपा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।